मैं लेडी डायना को भी मिला हूँ, मैं बहुत सारी रॉयल्टी को मिला हूँ, मेरे घर भी सब आए। लेकिन जो क्लास कायदे आजम की बेटी की थी ना, मैंने ऐसी क्लास कम देखी। एक रॉयल्टी से भी ऊपर एक जो स्टेप होते ना वो थी। ऐसे गुस्से से नहीं था देखा। यंग मैन, आई एंड माई फादर ओनली डिसएग्रीड ऑन वन थिंग इन आवर एंटायर लाइफ। कायदे आजम की बेटी आई पाकिस्तान जी। तो वो एक इवनिंग उन्होंने मेरे साथ स्पेंड की। उन्होंने काफ़ी हमने को 8-9 घंटे हमने स्पेंड किए। हम खाना खाने गए कुकूस कैफे। तब ये पूरी फूड स्ट्रीट नहीं होती थी, एक कुकूस कैफे ही था। वहाँ हम खाना खाने गए। उसके बाद हम फिर यहाँ आए। मैंने उनको बताया, मैंने कहा आप यहाँ बैठे, इस कुर्सी पे आपके वालिद बैठे थे। उन्होंने सारी तस्वीरें देखी जो घर के अंदर मेरी, अपना कायदे आजम की मेरे वालिद के साथ, मेरे दादा के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ, मोहतरमा फातिमा जिन्ना की तस्वीरें हमारी खवातीन के साथ जब वो तशरीफ लाई थी, तो बहुत खुश हुई। एंड शी वॉज वेरी यू नो, उनको मुझे लगा कि उनको लगा कि मैं शायद ऐसे एक ऐसे घर में आई हूँ कि जहाँ हर तरफ, ये नहीं कि उनके बाप की तस्वीरें थी, पेंटिंग्स थी, एक्चुअल फोटोग्राफ, मेमोरीज। तो बड़ी उन्होंने मेरे से खुल के बातें की, बहुत ही खुल के बातें की, दिल से बातें की उन्होंने। और वो मैंने तहरीर भी, एक मैंने आर्टिकल लिखा था डॉन में, उस आर्टिकल का उनवान था व्हेन टाइम स्टूड स्टिल। वो है यूट्यूब पे नहीं, लेकिन अगर आप गूगल करें तो आपको मिल जाएगा। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही आर्टिकल लिखा, उसके बाद ना लिखा, उससे पहले नहीं लिखा। और आई थिंक दैट वाज व्हेन आई रियली पोर्ड माय हार्ट आउट इन दैट आर्टिकल। तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा कि मैं क्या करूं, मुझे ये बाप बताएं। मैंने कहा मेरे बाप तो अब दुनिया में नहीं रहे, तो यू आर द ब्लड लाइन ऑफ द लीडर, तो आप मुझे बताएं कि मैं क्या कर सकता हूं। तो उन्होंने मुझे आइडिया ये दिया कि तुम मीडिया की तरफ सोचो, तुम्हारा जो पैगाम जो तुम देना चाहते हो वो कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट करो कि जिससे तुम एक अपनी कौम को या अपने लोगों को तुम ये जो पैगाम तुम देना चाहते हो तो तुम दो। और भी बहुत सारी बातें उनसे उन्होंने की जो मैं करना नहीं चाहता यहाँ, क्योंकि उनकी फैमिली को शायद वहाँ प्रॉब्लम हो। लेकिन बहुत ही अपना, आई थिंक दैट वॉज प्रॉब्ली द वन ऑफ द माई मोस्ट इमोशनल टाइम, वो जो 6-7 घंटे थे ना, क्योंकि उनकी तरीका बात करने का बिल्कुल अपने बाप की तरह की उनकी आवाज़ थी, रोबदार गरजदार, कोई उनको एंड व्हाट अ क्लासी पर्सन। मैं लेडी डायना को भी मिला हूँ, मैं बहुत सारी रॉयल्टी को मिला हूँ, मेरे घर भी सब आए। लेकिन जो क्लास कायदे आजम की बेटी की थी ना, मैंने ऐसी क्लास कम देखी। एक रॉयल्टी से भी ऊपर एक जो स्टेप होता ना वो थी। और बड़ा मुझे उनसे सीखने को मिला, बहुत सी बातें मेरी उन्होंने माइंड मेरा क्लियर किया। जो मेरे एक बात मैंने उनसे, हम जब खाना खा रहे थे तो मैं उनके पास ही बैठा हुआ था, तो मैंने उनसे डरते मैंने, क्योंकि यहाँ रोज नवाए वक्त में आता था कि जी वो कायदे आजम बड़े उनकी कि वो खिलाफ थी और वो ये करती थी और वो पाकिस्तान के हक में ही नहीं थी और ये इस तरह की बात हम सुनते थे। क्या कर सकते थे, वो भी बुजुर्ग थे हमारे, उनको सुननी पढ़नी पड़ती थी। ये भी एक वक्त था जब हर बंदे को गद्दार, हर बंदे को काफिर, हर बंदे को ये कहा जाता था, जिसको उन्होंने दिल किया कह दिया वो बन गया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आई सेड मैन, अब यू अपेरेंटली यू डिसएग्रीड विद योर फादर, आपको अपने वाले से बहुत सारी चीज़ें जो आप उनसे इख्तलाफ था आपको उनकी, ऐसे गुस्से से नहीं था देखा। यंग मैन, आई एंड माई फादर ओनली डिसएग्रीड ऑन वन थिंग इन आवर एंटायर लाइफ एंड दैट वाज माय मैरिज। बस उसके अलावा कभी कुछ नहीं था। साफ उन्होंने बता दिया कि भाई मैं कोई कौन कहता कि मैं अपना, जो मेरे बाप ने किया बिल्कुल ठीक किया, हाँ मेरे इख्तलाफ था उनके, वो मेरी शादी। और ये भी उन्होंने कहा, और उसमें भी ही सेड एंड इवन इन दैट ही वाज राइट, बिकॉज उनका जो मियाँ था उसने फिर ही मैरिड दिस, कोई नर्स थी बच्चों की तो उसके साथ उसने शादी कर ली। और वो ही डिडंट, और कायदे आजम को इस चीज़ से था कि ही वाज नॉट अ गुड मैन, कि वो अच्छा इंसान नहीं था।